मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। इंदौर में 3 दिनी प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन के बाद बुधवार को 2 दिनी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली समिट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश आस्था और अध्यात्म से लेकर पर्यटन, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन में अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने आने से मध्य प्रदेश की सियासत आज फिर गर्मा गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को पलटनाथ कहकर संबोधित किया। दरअसल कमलनाथ ने मंगलवार को अपने पुराने बयान से किनारा करते हुए कहा, हनी ट्रैप की सीडी और पेन ड्राइव मेरे पास नहीं है, पुलिस अफसरों ने मुझे लैपटॉप में दिखाया था। कमलनाथ के इसी बयान पर भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पलटनाथ देखा है, एक हफ्ते के अंदर दूसरा बयान है, पलटनाथ को पूरा प्रदेश जानता है। किसानों के 2 लाख के कर्ज माफ करने के बयान से पलटे, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ते देने को लेकर पलटे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत भी विवाद से हुई। प्रवासियों के बाद समिट में व्यापारियों ने हंगामा कर दिया। दरअसल रतलाम, मंदसौर और नीमच से आए मालवा चैम्बर्स ऑफ के 47 प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के बाद भी मीटिंग हॉल में नहीं जाने दिया गया। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि यहां बुलाकर हमें पैसे वापस करने की धमकी दे रहे हैं। भोपाल में करनी सेना परिवार का आमरण अनशन और धरना आज चौथे दिन भी जारी है। संगठन ने पुलिस कमिश्नर से जम्बूरी मैदान में सम्मेलन के लिए 1 दिन की अनुमति ली थी, लेकिन संगठन के 5 पदाधिकारी और समर्थक बिना अनुमति आम रास्ता रोककर महात्मा गांधी चौराहे पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। अन्य संगठनों के समर्थन से यहां भीड़ बढ़ गई है। ऐसे में महात्मा गांधी चौराहे से अवधपुरी तिराहे तक रास्ता बंद है। इससे अवधपुरी और आसपास की 2 लाख की आबादी परेशान है। मुरैना जिले के सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा बुधवार को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने गृह मंत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। विधायक ने गृह मंत्री से कहा, अब भाई का यूज करना आपका काम है। कांग्रेस विधायक ने कहा, सब आपकी कृपा से हुआ है। ये सुनकर नरोत्तम ने कहा, इन्हें मिठाई खिलाओ। इसके बाद विधायक अजब सिंह ने कहा, अब भाई का यूज करना आपका काम है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।